सुबह में बच्चों पिछले वर्ग में हम लोगों ने यात्रा जो पूरी न हो पाई इस पाठ के नए शब्द और शब्दार्थों को देखा है। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका सही उत्तर चुनकर लिखिए और प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। ठीक है, उचित विकल्पों पर सही का चुनकर लिखिए। चुनकर लिखो को नेहरू जी ने अपने विवाह के कारण विवाह के पश्चात कुछ महीने कहाँ बिताए। इसका सही उत्तर है कश्मीर। सरोवर को पार कर गुफा तक जाने का रास्ता लगभग कितने मील था। उत्तर है आधा मील। देखिए, नेहरू जी ने अपने विवाह के पश्चात कुछ महीने कहाँ बिताए। सही जवाब है कश्मीर। सरोवर को पार कर गुफा तक जाने का रास्ता लगभग कितने मील था, आधा मील। और तीसरा नेहरू जी किसके साथ पहाड़ों में घूमते रहे। उत्तर चचेरे भाई। एक उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए हिम सरोवर तक पहुंचने में नेहरू जी को क्या मुश्किलें आई। आपको ये मैं ओरली बताऊंगी अभी।
पढ़ के सही जवाब, और इसका आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगी, ठीक है। देखो उचित विकल्प को चुनकर लिखोगे, नेहरू जी किसके साथ पहाड़ों में घूमते रहे, चचेरे भाई के साथ, सही जवाब। और उत्तर लिखिए, उसमें आप लोगों को मैं आपको व्हाट्सएप में भेजूंगी, ठीक है। अभी सही जवाब क्या है देखेंगे। पहला प्रश्न, हिम सरोवर तक पहुंचने में नेहरू जी को क्या मुश्किलें आई। नेहरू जी को सांस लेने के लिए भी सांस लेने के लिए मुश्किल हो रहा था, ठीक है। हिम सरोवर का दृश्य कैसा था, हिम सरोवर का दृश्य सुंदर था। नेहरू जी को क्या धोखा हुआ था, नेहरू जी को दरारों की संख्या ज्यादा था। गुफा तक जाते समय नेहरू जी के साथ क्या दुर्घटना घटी, नेहरू जी एक दरार में फिसल गए, नेहरू जी एक दरार में फिसल गई, ठीक है बच्चों। अभी इस पाठ के प्रश्नों उत्तरों को अचुनकर लिखिए, इसे भी देखा है आप, प्रश्नों उत्तरों को आपको व्हाट्सएप में मैं फो भेज दूंगी, ठीक है।